You can see here, make a fixture of 13 teams knockout. In previous video, we make a fixture of 8 teams, that is even teams. Now here comes odd teams. And also main thing is there, इसमें मेन चीज़ क्या है कि हम लोगों को पहले देखना है ये पावर इक्वल ऑफ पावर ऑफ टू के इक्वल है या फिर नहीं। अगर जैसे 8 टीम का पहले हम लोग किए थे, अगर इक्वल हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता कि नॉर्मली एक दूसरे से खेल के मैच विन हो जाता है। अगर पावर ऑफ टू के इक्वल नहीं होता नंबर ऑफ टीम, तब एक टर्म आता है बाई। मोस्ट ऑफ यू कैन हेयर दिस वर्ड बाई बिफोर बाय। व्हाट इज बाई बिफोर वी एक्सप्लेन इट, नाउ यू कैन सी हेयर एट फर्स्ट वी ट्राई टू मेक ए फिक्सर ऑफ 13 टीम्स, टोटल नंबर ऑफ टीम 13, नंबर ऑफ मैचेस ऐसे फॉर्मूला है उसका एन माइनस वन, तो नंबर ऑफ एन इक्वल टू 13, मतलब टोटल नंबर ऑफ टीम माइनस वन इक्वल टू टोटल मैचेस होगा 12। नंबर ऑफ राउंड कितना होगा, यहाँ पे अब देखिए नंबर ऑफ राउंड अगर देखा जाए तो पावर ऑफ टू के इक्वल हम लोग देखते हैं। नंबर ऑफ राउंड मतलब पावर ऑफ टू, जितने सारे पावर ऑफ टू लगेगा उतना होगा राउंड ऑफ राउंड। तो यहाँ पे 2 × 2 × 2 इक्वल टू 8 हो रहा है, लेकिन हम लोग के पास टोटल नंबर ऑफ टीम है 13, तो अगर और एक 2 बढ़ाया जाए तब 16 हो जा रहा है, वो भी 13 के इक्वल नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोगों को हमेशा पावर ऑफ टू देखना होगा कि जितने सारे नंबर ऑफ टीम दिया गया है उससे कम नहीं होना चाहिए। पावर ऑफ टू इक्वल जब आएगा उससे कम नहीं होना चाहिए, जैसे 8 पे अगर रख देते हैं तो नहीं होगा, उसके ऊपर जो पावर ऑफ टू के इक्वल आएगा वो रखना चाहिए। जैसे 16 हो रहा है, सेकेंड मतलब फोर्थ पावर ऑफ टू के इक्वल हो रहा है तब 16। तो यहाँ पे